जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके मन में यदि भक्ति भाव है तो इस कथा को अवश्य सुने कि किस प्रकार एक प्रेत की सहायता से तुलसीदास जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त किए। वीडियो को शुरू करते हैं। कलयुग में अब ना मंत्र काम करते हैं और ना ही आवाहन, न तप से कोई अस्त्र शस्त्र हासिल किया जा सकता है और ना ही शक्तियाँ। कहते हैं कलयुग में सत्य वचन भक्ति और प्रार्थना ही एक उपाय है भगवान से जुड़ने का। आज हम जानेंगे कैसे तुलसीदास जी ने दर्शन प्राप्त किए प्रभु श्री रामचंद्र जी के। तुलसीदास जी के विषय में जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार उनका जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। जब कोई महान कार्य किया जा रहा हो या रचना लिखी जा रही हो तो उसमें ऊपरी शक्तियों का योगदान अवश्य होता है। उसके बगैर कार्य की सफलता में संदेह रहता है। जब तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखना था तो उन्होंने भक्ति भाव से इसके लिए हनुमान जी को याद किया था। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब है। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे एक शमी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस शमी के वृक्ष के ऊपर जल डालते थे उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेतों का आहार वैसे तो अशुद्ध और निकृष्ट ही होता है लेकिन उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी। भूत प्रेत योनि जन्म ली हुई आत्मा अच्छी और बुरी सभी प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार वह प्रेत भी अच्छा ही रहा होगा। उस पानी से प्रेत प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपका हर काम कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, वैसे तो मुझे किसी संसारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यदि करा सकते हो तो मुझे भगवान श्री राम के ही दर्शन करवा दो। प्रेत ने हंसते हुए कहा, महाराज यदि मुझ में इतना ही सामर्थ्य और सच्चाई होती तो इस अधर्म योनि में यूं ही नहीं भटकता रहता। फिर भी प्रभु दर्शन के लिए एक उपाय आपको बता सकता हूँ। प्रेत ने कहा, मुझे यह मालूम है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य श्रवण करने आते हैं। मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ नित्य कथा होती है और वहाँ हनुमान जी कुष्ठी के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें और उनसे विनती करें, वे बहुत मना करेंगे किंतु आप उनको छोड़ना मत, वे आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हो गए। वे उस कथा में गए और उन्होंने सबसे दूर एक कुष्ठी को बैठे देखा। वह कुष्ठी तन्मयता से राम कथा सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। तुलसीदास जी उसे देखते रहे। जो ही कथा समाप्त हुई उन्होंने जाकर उस कुष्ठी के पैर पकड़ लिए और बोले, मैंने आपको पहचान लिया और आप मुझे राम के दर्शन कराएं। उस कुष्ठी ने बहुत कहा, अरे भैया तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो, मेरे पर क्यों अपराध चढ़ाते हो, मैं तो कुष्ठी हूँ, मुझे मत छुओ, मेरे पैरों को मत छुओ। किंतु तुलसीदास ने उसके पैर जोर से पकड़ लिए और रोने लगे। अंत में हार कर कुष्ठी रूप में रामकथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक के रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी, इसके बाद हनुमान अष्टक बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि रचना उन्होंने ही लिखी। यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया। तो कैसी लगी आपको ये कथा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की और वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।